ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको भी ध्यान से देखेंगे और ट्रेड बन सकता है ट्रेंडिंग या नहीं, दोनों चीज़ें अपने लोग देखने वाले हैं। हिंडनबर्ग की अपनी रिपोर्ट आई थी जिसमें आपका उन्होंने सेबी के चेयरमैन पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाए थे, हालांकि उन्होंने हर एक चीज़ का आंसर दिया था। अब उसमें नहीं जाते हम लोग, सिंपल अपना लेवल्स वगैरह नोट करते हैं और कल क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा उसको देखते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था फ्राइडे वाले दिन कि आपने अगर ओपनिंग रेंज के फॉल्स ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, नॉर्मल भी करनी है, तो आपको टारगेट बड़ा रखना है, राइट। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोगों ने बुलिश ट्रायंगल बनाया था, कब बनाया था। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कैंडल थी, लेट्स से आपने शॉर्ट किया, आपका इस कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैंने आपको क्या कहा था, तुरंत ही आपको रिवर्स ट्रेड लेना है। कल वाला वीडियो आपको एडिटर लगा देगा, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका लेट से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपने आपके इस कैंडल पे आपने सेल किया, वापस से क्लोजिंग दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको बाय किया था और ये ट्रेड आप देखो कितना प्यारा चला था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से आ जाएंगी, कब आपको ओपनिंग रेंज का यूज़ करना है, कब उसको फॉल्स को लगाना है, कब आपको ट्रेंड मिलेगा। एक बढ़िया ट्रेंड मिला, हालांकि लास्ट में जाके मार्केट ने क्लोजिंग खराब दे दी। अगर यहाँ पे भी क्लोजिंग दे जाता ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि ब्रेकआउट का सिनेरियो होता। मैं आपको दिखाता हूँ वन डे के चार्ट पे, आपको और क्लियर आइडिया मिलेगा। ये अपना आ गया वन डे का चार्ट, ठीक है, और वन डे के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक लेवल है अपना, जो ये हाई था, ये हाई, ये हाई और यहीं पे, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इसको एग्जैक्टली लेवल को मार्क करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा आपका इस जगह पे, और ये कौन सा लेवल आ रहा है आपका 50,700। तो सिंपल सी एनालिसिस को रखना है, अगर 50,700 क्रॉस करेगा टारगेट फिर से बड़े को प्लान करेंगे, किधर 51,000 तक के लिए मैक्सिमम टारगेट्स को प्लान करेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हिट कर चुका है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट पे आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं कि सेल का ट्रेड भी करना है तो कहाँ करना है। अगर आप देखोगे तो एक्शन ये लास्ट में नेगेटिव बना के गया है, मतलब क्या है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एंड लास्ट में आपका ये एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, राइट। अगर ये वापस से इसका लो टूटता है और नीचे जाना शुरू करता है, यानी कि 50,500, ठीक है, इसके नीचे जाना शुरू करता है, तो मेरे को ट्रेड किधर लेना है, शॉर्ट की साइड में। टुवर्ड्स कितना टारगेट है, पहला टारगेट तो ऑब्वियसली यहीं पर आएगा 400 के लिए, और देन आपका नेक्स्ट टारगेट आएगा 300 के आसपास के लिए। यहाँ पे आके एक बार रिविजिट करेंगे, बिकॉज इधर से ही मार्केट कल डबल बॉटम बनाएगा फिर, क्योंकि अगर मान लो चल के ट्रेड तो यहीं तक के लिए प्लान करेंगे, इससे बड़ा प्लान नहीं कर सकते, एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोनों केस में आपको बताता हूँ कि बाय कहाँ होता है। बाय आपको दो जगह होता है, ठीक है, ब्रेकआउट पे होता है या फिर सपोर्ट पे होता है, सपोर्ट प्लस पॉजिटिव एक्शन पे होता है ना। इसका सेल क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो बाय का ट्रेड या तो मुझे 700 के ऊपर निकल जाएगा तब कर लूँगा मैं, राइट, या फिर कब करूँगा, इसके आसपास मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिले। सेल कहाँ करूँगा, 51,050 आपका 20 डे मूविंग एवरेज है, तो यहाँ के आसपास कोई मुझे नेगेटिव एक्शन मिलता है तब के बारे में, सेल के बारे में सोचूंगा, या फिर 50,500 से नीचे निकलता है तो आपको मिलेगा। यानी अगर मेरे को इसके और 700 इस रेंज में आपको मिलता है ट्रेड, कुछ नहीं करना है, अवॉइड करना है 200 पॉइंट के रेंज में। इधर से साइडवेज ओपन होता है, ऊपर निकलता है तो बाय ब्रेकआउट प्लान करेंगे, नीचे निकलेगा तो ब्रेकडाउन प्लान करेंगे, ठीक है, सिंपल रखना है। आज वाला ट्रेड भी बहुत प्यारा ही वाला चला था, जो ये वाला ट्रेड था, राइट। चलो निफ्टी पे आते हैं। वैसे रिटेल महाशक्ति की आपने ताकत तो देखी होगी, बात तो माननी पड़ेगी, मतलब पूरी ताकत से उन्होंने गिराने की कोशिश करी, लेकिन वो वी शेप रिकवरी ले आते हैं, ठीक है, तो वो वाली बात है। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी में, तो निफ्टी ने यहाँ पे टॉप बनाया, उसके बाद निफ्टी भी लास्ट में आपका एक नेगेटिव एक्शन पे क्लोज हुआ और इसने आपको बेरिश का साइन दे दिया, एम पैटर्न। दोनों ने ना पता क्या करा, एक प्रॉब्लम आ गई, क्लोजिंग खराब दे दी। अगर क्लोजिंग खराब नहीं होती ना तो मेरे को बढ़िया था, अभी कहाँ ओपन होगी नहीं होगी वो तो अपने लोग अभी ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे ही, लेकिन ये है आपका जहाँ से इसका ब्रेकडाउन पॉइंट है, कौन सा है, 24,400 का। तो 24,400 आपको एक लेवल मार्क करके रखना है। नीचे कहाँ पे है, डबल बॉटम कहाँ पे बन के आ रहा है, इस एरिया में, यानी कि 240 से 260, ठीक है, यहाँ के आसपास आएगा, बाय को अटेम्प्ट करेंगे, ब्रेकआउट में निफ्टी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर उतना मूव नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें भी है, लेकिन जितना बैंक निफ्टी, अभी मैं आपको डेटा पे दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो निफ्टी में मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके आसपास आ जाए तो बाय करूंगा, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने अपने सारे लेवल्स को मार्क कर लिया, क्या करना है, ठीक है। आते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पे, पहले फिन निफ्टी देख लेते हैं फिर ऑप्शन चेन पे चलेंगे, डेटा कहाँ पे प्लेस्ड है। सेम कहानी आपकी फिन निफ्टी में भी है, मैं आपको लेवल्स मार्क करके देता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ है। एक ही आ रहा है 23,050, ठीक है,
और नीचे कौन सा आ रहा है, ये एरिया 22,825। तो वही सेम कहानी है जो बैंक निफ्टी में लगाना है, बस लेवल्स चेंज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू जो बैंक निफ्टी का लेवल था उसके हिसाब से आपको ये लेवल चेंज कर देना। स्ट्रक्चर सेम ही है, मतलब ऐसा नहीं फिर निफ्टी को बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही है। ये अपना 23,050 आ गया और नीचे आपका 22,825 आ गया। अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है, थोड़ा सा और चलता है, मान लो स्लाइड करता है, तो फिर आपको कहाँ तक के लिए है, यही है। यहाँ पे आके मुझे देखना है कि मुझे क्या फ्रेश सेल के बारे में सोचना है या नहीं सोचना है। इस केस में आप ध्यान समझना किस तरीके से सेल किया जाता है। मान लो डबल बॉटम आ गया, कभी तो हो सकता है ना कि मार्केट आपका सीधा घुसता चला जाएगा, कभी कभी तो होगा ही ऐसा। उस केस में क्या होता है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद यह पॉइंट आपका रेजिस्टेंस बन गया। अदरवाइज यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फिर ऊपर चल जाता है, जो आज हम लोगों ने केस देखा था, है ना। आज क्या केस था, सिंपल ओपनिंग रेंज का फॉल्स ब्रेकडाउन एंड देन मार्केट आपका रनअप दिखाया। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपने लोग चलते हैं ऑप्शन चेन पे। चलो करते हैं अपने लोग ऑप्शंस की एनालिसिस और देखते हैं ऑप्शंस का डेटा क्या है। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉल्स में अगर बात करते हैं तो क्या दिख रहा है, 1,67,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 9 लाख खड़ा है, 13 लाख खड़ा है, 15 लाख खड़ा है। सबसे ज्यादा वाइक कहाँ एडिशन हुआ है, 24,500। ओके नोटेड। ये अपना आगे कॉल साइड पे, पुट साइड पे किधर वाइक सबसे ज्यादा खड़ा है वो देखना है, 8 लाख, 11 लाख और आपका 11 लाख यहीं पे है, 24,300, यानी 24,300। अभी भी मार्केट में भले गिरा है लेकिन पुट राइटर्स भागे नहीं, क्योंकि नीचे से जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा हो तब इन्होंने पुट राइटिंग करी होगी, इसलिए कंपैरेटिवली पुट्स से ज़्यादा, कॉल से ज़्यादा आपकी पुट्स दिख रही हैं, राइट। तो अभी 24,300 को नोट करके रखना है, वही अपना 250 का जो एरिया था। अगर वहाँ से कोई रिजेक्शन फॉल्स ब्रेकडाउन देकर मार्केट चलता है तभी अपने लोग बाय के अटेम्प्ट करेंगे निफ्टी में, वही चीज़ डेटा भी आपका बता रहा है। चल के देखते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी का। चलो फिन निफ्टी से स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिन निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है, अगर मैं बात करता हूँ फिन निफ्टी की, तो पुट्स कहाँ पे 8,52,000 पुट्स हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, 12,30,000 यानी 23,100, वही 22,050 का लेवल है ना, 22,050 से 100 के बीच का एरिया, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। सॉरी 23,000, अगर इसके ऊपर निकलेगी 23,050 के ऊपर क्रॉस करेगी तभी ये वाले कॉल लेटर्स आपके परेशान होने शुरू होंगे, तभी अपने लोग बाय के बारे में सोचेंगे, वही जो अपना बैंक निफ्टी का 700 का लेवल था, राइट। पुट साइड में 8 लाख है, 3 लाख, 8 लाख, डेटा आपका साइडवेज टू बेरिश कह सकते हो, बट कुछ खास ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा डेटा जो फिन निफ्टी का बता रहा है, ठीक है। बट दोनों साइड ही आपका ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, मे बी एक्सपायरी है ना इसलिए उनका होगा। कल भी अगर ब्रेकआउट नहीं आया, मान लो कल हम लोग ब्रेकआउट प्लान कर रहे हो, कल भी ब्रेकआउट नहीं आया, तो आना जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस या आपका हिट करता है, ब्रेकआउट आया ब्रेकडाउन आया, जितना ज़्यादा आपका रेंज में है ना उतना ही ज़्यादा फिर आपको पोजिशनल ट्रेड, आप देखना मैं जब प्रीमियम वाले चैनल पर जब ट्रेड दूंगा ना तो स्विंग ट्रेड ओपन करूंगा, फिर अगर कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आया उसके बाद जब भी आएगा ना कम से कम 500-700 पॉइंट ऊपर या नीचे की बैंक निफ्टी रैली दिखाएगा, बिकॉज बहुत नैरो रेंज हो चुकी है बैंक निफ्टी की, ठीक है। मैं अगर बात करता हूँ इस पे आपका 50,500, ओके 4 लाख आपका 51,000 पे ही वाई खड़ा है, वो लास्ट में आके एकदम से वाई का एडिशन हुआ होगा। नीचे अगर मैं बात करता हूँ पुट्स कहाँ पे खड़ी हैं, 5 लाख यानी 50,300 के आसपास खड़ी हैं और 50,600। डबल बॉटम कहाँ पे था अपना, 50,200 के आसपास, ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रखना, 50,600 पे 4 लाख। तो कोई सिग्नल बैंक निफ्टी की भी ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शंस का डेटा कोई सिग्नल नहीं दिख रहा किधर की साइड ओपन होगा या नहीं होगा। हालांकि मार्केट में थोड़ा सा जो लास्ट में नेगेटिव एक्शन बना है ना वो थोड़ा सा चिंताजनक हो गया है कि क्लोजिंग रेंज में वापस से आ गई है ना। अच्छी चीज़ क्या है ना बैंक निफ्टी के लिए कि उसने क्लोजिंग आपकी 50,500 के ऊपर दे दी, ये एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज कॉल राइटर्स को कहीं ना कहीं तो डर लगेगा ही ना, जो 50,500 की कॉल बेचे हुए हैं कहीं ना कहीं डर लगेगा बिकॉज उसके ऊपर आपकी क्लोजिंग लिया, आप देख रहे हो 577, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आपका ऊपर निकलना शुरू होगा 650 से 700, तो आपको एक जोन मिल जाएगा अच्छा थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के लिए, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा, अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।